हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं रहता हूँ इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता में। आज देखिए मेरे साथ इंडोनेशिया के डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अंदर जाने से पहले लेना होगा हमें हैंड वॉश। यहाँ स्टोर में जो भी डेकोरेशन और फर्नीचर है ये सब इंडोमारेट कंपनी का डिज़ाइन है, और आप इंडोनेशिया में किसी भी इंडोमारेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरह का डेकोरेशन और इसी तरह की लाइटिंग और यही डिज़ाइन हर जगह देखने को मिलेगा। इस सेक्शन में रखे हैं चिप्स और सारे रेडीमेड खाने के आइटम्स। ये है प्रिंगल्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चिप्स है, कई सारे फ्लेवर्स में आता है, इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है। और ये है 25,300 रुपये का, लगभग 130 इंडियन रुपये इसका प्राइस है यहाँ जकार्ता में। ये वाला ब्रांड है चिटैटो, इंडोनेशियन ब्रांड है, आपको सिर्फ इंडोनेशिया में ही मिलेगा, कई सारे फ्लेवर्स में आता है। और ये वाला फ्लेवर है सापी पांगांग, सापी का मतलब इंडोनेशियन लैंग्वेज में होता है बीफ। और भी फ्लेवर्स हैं, ये है केजू फ्लेवर, केजू का मतलब है इंडोनेशियन लैंग्वेज में चीज़, तो ये चीज़ फ्लेवर का चिटैटो चिप्स है। रेफ्रिजरेटेड ड्रिंक्स का सेक्शन, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, योगर्ट वगैरह सब इस एरिया में है। बिस्किट्स के एरिया में है सबका फेवरेट ओरियो, इसका प्राइस है जकार्ता में 8,700 रुपये, लगभग 46-47 इंडियन रुपीस के बराबर ये बैठेगा। और ये लोग कुछ फ्रूट्स भी बेचते हैं जिनको रेफ्रिजरेट करके रखा जा सकता है, तो कुछ सेब और इस तरह के फ्रूट्स हैं। स्टोर्स में आपको सब्जी और फल के अलावा यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। ब्रेड्स का सेक्शन है, सारी रोटी नाम का ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है यहाँ इंडोनेशिया में, रोटी मतलब वही जो हिंदी का वर्ड है ब्रेड। रेफ्रिजरेटेड बॉक्सेस में आइसक्रीम्स हैं बहुत सारे फ्लेवर्स की। इस फ्रिज में है कुछ डीप फ्राई करने के लिए आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स हैं, रेडी टू फ्राई एंड ईट। ये है चॉप्ड चिकन, रेफ्रिजरेटेड फ्रोजन चिकन है। और इंडोनेशिया के स्टोर्स में सेल्फ सर्विस होती है मोस्टली, तो आप ये कार्ट यहाँ से लेंगे, उसके बाद में जो भी आपको सामान चाहिए वो पिक करेंगे, और ये बिलिंग काउंटर है यहाँ पे, जो इनके वर्कर्स हैं वो रहेंगे और आप इस काउंटर पे आकर के अपने सामान की बिलिंग कराएंगे। तो इंडिया के जैसा नहीं है कि जहाँ पे दुकानदार आपको सारा सामान निकाल करके देगा, बिलिंग करके देगा, पन्नी में रख के देगा, यहाँ पे हमें शेल्फ से सामान खुद ही पिक करना पड़ता है। बॉटल्ड वाटर इंडोनेशियन ब्रांड है, इंडोमारेट का अपना ब्रांड है, इंडोनेशिया में मोस्टली बॉटल्ड वाटर ही पिया जाता है क्योंकि टैप वाटर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यह है 4,500 रुपये का, तो लगभग 24 रुपये की बोतल है 1.5 लीटर की। ये लोग पॉपकॉर्न्स भी बेचते हैं यहाँ पे, तो ये पैकेट के अंदर पॉपकॉर्न है, और इनके स्टोर में माइक्रोवेव्स रहते हैं, तो ये सीधे उन पॉपकॉर्न्स के बैग को माइक्रोवेव में डालेंगे और बनाकर आपको दे देंगे।
ये सेक्शन है नूडल्स का। नूडल इंडोनेशिया में एक बहुत ही पॉपुलर और फेवरेट फूड है। कम से कम 100 तरह के या उससे भी ज़्यादा नूडल्स की वैरायटीज़ इंडोनेशिया में मिलती हैं। ये कप नूडल्स हैं, आप सीधे इसमें पानी डाल करके और 15 मिनट रखें और खा सकते हैं। लगभग 27 इंडियन रुपीज़ का पड़ेगा ये। और ये जो पूरा शेल्फ है ये एक्चुअली सिर्फ नूडल्स के लिए ही डेडिकेट है। कई वैरायटीज़ के हैं, कोरियन, स्पाइसी। यहाँ पे पूरी शेल्फ में सिर्फ खाने के आइटम्स रखे हुए हैं। जो मेरे पीछे वाली तरफ है उसके अंदर ना खाने वाले आइटम्स हैं। ये वाले जितने भी आइटम्स हैं जैसे कि क्रीम्स हैं, सोप हैं, टूथपेस्ट हैं, तो इस तरह के जो आइटम्स हैं उनको खाने वाले आइटम से अलग रखा जाता है। गूगल प्ले और स्पॉटिफाई के कार्ड्स। ये सेक्शन है कॉफ़ी का, रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी पाउचेस। यहाँ पे रखे हैं छोटे छोटे स्पाइसेस के पैकेट। नासी गोरेंग यानी कि फ्राइड राइस, इंडोनेशियन लैंग्वेज में नासी गोरेंग बोलते हैं, तो उसको बनाने का ये रेडीमेड मिक्स है। कैंड फिश हैं, सीधे खोल के और गरम करके इन फिश को खाया जा सकता है, कोई कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका प्राइस है 22,900 रुपये। ये भी कुछ 120-125 रुपये के आसपास पड़ेगी इंडियन करेंसी में। कई सारी वैरायटीज़ और फ्लेवर्स हैं। कुकिंग ऑयल बिमोली, इंडोनेशियन ब्रांड। और ये है बिलिंग काउंटर, यहाँ पे आप आकर अपनी बिलिंग कराएंगे और इस स्क्रीन पे आपने जितने भी आइटम्स खरीदे हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी प्राइस के साथ, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि प्राइस ठीक है या नहीं। और ये डोनट्स और कुछ स्नैक्स अभी इंडोमार्ट ने रखने शुरू करें, मैंने पहले कभी नहीं देखा इन्हें। यहाँ पे कुछ नए आइटम्स हैं। और यहाँ पर सारे डिस्काउंटेड आइटम्स रहते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट आने वाली होती है, उसको आप यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। कुछ छोटी मोटी नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स भी ये लोग बेचते हैं जो सब यहाँ इस एरिया में रखी रहती हैं। ओबात, ओबात का मतलब होता है इंडोनेशियन में मेडिसिन्स, दवाइयाँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर जेल, डिओड्रेंट्स, फेस वॉश जैसी चीज़ें। और अब मैं भी अपने आइटम्स की बिलिंग कराने के लिए आ गया हूँ। बब्बी साम बिल टू नाइन ओके इन्हीं आ जा सातु कामा ओ ब्ली ओके तुम गोया सायाम बिल आ गया। हुआ ये कि मुझे कार्ड से पेमेंट करना था और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 10,000 से नीचे का पेमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं कुछ और भी चीज़ें लेने आ गया। सोच रहा हूँ क्या लूँ, एक कोक ले लेता हूँ और एडिशनल आइटम्स लेकर मैं फिर से बिलिंग के लिए पहुँचा, लेकिन अभी भी पूरा आइटम नहीं था तो मेंटोस भी खरीद ली मैंने एक। और यहाँ पर आप स्टोर में पेमेंट करने के साथ साथ कैश भी ले सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ से कुछ कैश भी ले रहा हूँ। थैंक यू। और ये 1,00,000 रुपए मैंने कैश लिए हैं। जी हाँ, 1,00,000 रुपए इंडोनेशियन करेंसी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ करेंसी में। बिलिंग हो चुकी है मेरे सामान की और अब समय है वापस चलने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं दोबारा से इंडोनेशियन कल्चर के बारे में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।